सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने गाड़ी का मतलब कोई भी गाड़ी आपकी है, अगर उसका चालान चेक करना चाहते हो तो आप ये कैसे चेक कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई भी गाड़ी हो उसका सिर्फ नंबर याद होना चाहिए आपको बस। तो यहाँ पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन की जरूरत लगेगी, इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहीं से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो हिंदी इंग्लिश आप सिलेक्ट कर लेना। तो अभी मैं इंग्लिश करता हूँ, फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरीके से ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें नंबर डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चलिए नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर नंबर डाला, उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सर्च के ऊपर जैसे क्लिक करो तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनर नेम, किसकी गाड़ी है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अब आप रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू चालान, यहाँ पर व्यू चालान के ऊपर क्लिक कर देते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपसे देख सकते हो, यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा इस तरीके से वेरीफाई योर RC और इंटर डिजिटल एंड क्लिक वेरीफाई। तो यहाँ पर आपको जो कि 4 डिजिट डालने होंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो कि इंजन के नंबर डालने होंगे, मतलब यहाँ पर जब तक आप इनके नंबर नहीं डालोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो कि बोलता है हमसे वेरीफाई और RC, तो हमें RC वेरीफाई करानी होती है, तो यहाँ पर हमें नंबर डालना होगा, ठीक है। तो आप जब तक ये नंबर नहीं डालोगे यहाँ पर, तब तक आप चालान नहीं देख सकते हो। लेकिन अभी ये जो कि मैंने ऑनलाइन नंबर निकाले थे तो अभी मुझे नहीं पता है। तो आप यहाँ पे नंबर डालने के बाद फिर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो उसके बाद फिर आप इसका चालान चेक कर सकते हो गाड़ी का। तो इसी तरीके से आप किसी भी गाड़ी का चालान पता कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।